आज ना हम जूतों की शिफ्टिंग करने वाले हैं, सोचा आज जाके आ जाते हैं। अच्छा मेरा अल्ट्रासाउंड होना है, फोर्थ मंथ की स्टार्टिंग हो गई है। पाव भाजी दिल्ली की मिलती है ना रोड वाली, जूते साफ करने वाली भी बुलाई हमने यहाँ पे, दुकान की नहीं है वो सब निकाल दी है। मेरा गाइस वाला नाइट सूट है जो छोरा हरियाणा का, छोरा हरियाणा का भाई देख मेरा टोरा। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब, होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग कुछ इस प्रकार है, सुबह सुबह चीकू का राजमा चावल, फ्रेश चावल बनाए थे उसके लिए क्योंकि रात के चावल ठंडे हो जाते हैं, तो उसको लंच पैक करके दे दिया, वो स्कूल जा चुका है। अब हम तैयारी कर रहे हैं हमारे ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर ना मैंने रख दी है चाय जो कि उबल रही है, और तवा एकदम गरम हो गया है, पायल बना रही है परांठे। अब इन परांठों को मैं सेकूंगी, फिर हम लोग खाएंगे ब्रेकफास्ट, फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। आज चीकू इतना हैप्पी होके स्कूल गया, इतना हैप्पी होके नींद पूरी हो गई थी ना, नींद पूरी हो गई तो इतना मतलब खुश होके गया, नहाने में भी कोई दिक्कत नहीं थी, रोया नहीं। तो यहाँ पर ना इनका डाइट का खाना भी आ गया एकदम टाइम से, तो आज इनको ग्रास पाउडर है पानी के साथ देना है, सीड्स है, और इधर इनकी डाइट है, और इधर इनका डिटॉक्स वाटर आया क्योंकि डिटॉक्स वाटर पीना अच्छा होता है रोज। और आज ना इनकी दो स्मूदी आई, एक बनाना वाली एक एप्पल वाली, एप्पल वाली देनी है प्री वर्कआउट से पहले, मतलब वर्कआउट से पहले, और ये वाली है पोस्ट वर्कआउट की। यहाँ पर ना पायल ने तैयारी कर ली हमारे बिस्तर की, चादर नहीं थी क्योंकि सारी चादरें ऊपर थी, तो ये एक मिल गई और एक शॉल मिल गए। तो आज ना हम ज्यादा देर सोए नहीं, हम क्या करते हैं 8:30 बजे सो जाते हैं, 11:30 उठते हैं, बट आज हम थोड़ा सा जल्दी मतलब कि 9 बजे के करीब सोए थे और 10 बज गए, एक घंटा ही सोए और उठ गए हैं क्योंकि अभी मैं और पायल जा रहे हैं सैलून, ज्यादा देर नहीं जाएंगे, 2-3 घंटे के लिए जाएंगे क्योंकि वहाँ पे भी जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारा काम है। और उसके बाद हम वापस घर पर आ जाएंगे क्योंकि आज ना हम जूतों की शिफ्टिंग करने वाले हैं। जूतों की शिफ्टिंग के साथ साथ ना हमारे घर में जितने भी ड्रॉर्स है, ये सारे ड्रॉर्स हो गए और ये सामान हो गया, छोटा छोटा जितना भी सामान है ना सब आज हम शिफ्ट कर देंगे। एक और काम याद आ गया मुझे, पौधे भी जो हमारे पौधे हैं ना वो भी ऊपर शिफ्ट करने हैं सारे के सारे। तो यहाँ हमारा नारियल पानी भी आ गया है, तो फटाफट नारियल पानी पी लेते हैं, उसके बाद काम शुरू करते हैं फिर से क्योंकि आज जो है बहुत अच्छा दिन है, आज हमें शिफ्ट कर लेना चाहिए। तो मॉर्निंग में ना चीकू के लिए अनार थे लंच के लिए, तो बच गए थे थोड़े से, तो मैंने निपटा लेती हूँ। पायल ने अपने नारियल पानी पी लिया है, बस मेरा वेट कर दिया है। इसके बाद हम लोग ऊपर जाएंगे, कपड़े लेकर आते हैं, चीकू के पापा के कपड़े भी निकालने हैं, 2-4 काम और है वो भी। जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है ना ये वाईफाई का काम है, ऊपर इतने कम नेटवर्क आते हैं, इतने कम नेटवर्क आते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा ऊपर नेटवर्क कम क्यों आ रहे हैं, बल्कि ज्यादा आने चाहिए। वाईफाई नहीं है ना, तो वाईफाई तो नीचे भी नहीं, नेटवर्क कह रही हूँ नेटवर्क फोन के। तो गाइज मैं ये वाले नेटवर्क कह रही हूँ, जो 4 नेटवर्क होते हैं ना ऊपर तो एक आ रहा है। तो गाइज हमारे न्यू सॉन्ग जो है वो आ गया है, कमाल हो जाएगा, जिसने अभी तक नहीं देखा है जल्दी जाके नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे जाके गाना पूरा देखिए, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर ना हमारे जो प्ले बटन से वो भी आ गए, बहुत ही अनमोल तोहफा है हमारे लिए, इसको बहुत ही ध्यान से बहुत ही मेहनत से हमने कमाया, ध्यान से तू साफ करियो, मेहनत से बेटा हमने कमाया। ये कौन सा वाला लोअर है, अच्छा ब्लैक है थोड़े चौड़े वाला। तो गाइज आज हम लोग जा रहे हैं सैलून क्योंकि सैलून गए हुए हमें काफी दिन हो गए हैं, मतलब काफी दिन निकल नहीं गए थे, तो हमने सोचा आज जाके आ जाते हैं, अच्छा नहीं है क्योंकि सैलून भी जरूरी है ना, हमारा ऑफिस वर्क भी जरूरी है घर के साथ। ऑफिस आते सबसे पहले जो रूटीन होता है मेरा दवाइयों को आता है, दवाई खा रही हो, कल मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है, इंजेक्शन लगना है, पायल को भी जाना है रेगुलर चेकअप के लिए, तेरे को भी जाना है ना, मेरा अल्ट्रासाउंड होना है, मेरा वो होना है इंजेक्शन लगना है, और मतलब नॉर्मल जैसे जाते हैं। ऑफिस आ चुके हैं हम, और ऑफिस में आके लग रही है भूख क्योंकि सुबह सुबह हमने 8 बजे के करीब या 8:30 बजे के करीब खाया था, नाश्ता किया था 2 परांठे और चाय, और गोलू तो राजमा चावल थोड़ा बहुत खा के आई है घर से, मैं कुछ नहीं खा के, मुझे लग रही है भूख। गोलू यहाँ खा रही है ड्राई फ्रूट्स, मैं दिखा देती हूँ आपको, फॉइल पेपर नहीं था, फॉइल पेपर में ड्राई फ्रूट, फॉइल फॉइल पेपर था नहीं, तो शांति ने कहीं से एडजस्टमेंट करके दिया मुझे, उसे रोटी के डब्बे से निकाल के दिया होगा। तो यहाँ पे हो रही है रीत के बालों में केराटिन, बिकॉज ऑफ क्योंकि रीत ने ना ये बालों में जो कलर करवाया था ना, तो थोड़े से रफ हो जाते हैं, ह्यूमन हेयर है फिर भी देखो अगर हम अपने नेचुरल हेयर पे भी कलर करते हैं तो वो थोड़े रफ हो जाते हैं, तो इसमें केराटिन हो जाएगा ना उसके बाद ये बहुत अच्छा शाइन करेगा, और इसलिए करा रही है, और लेंथ जो है रीत की मुझसे ज्यादा अच्छी लगती है। तो ड्राई फ्रूट से ना बिल्कुल पेट नहीं भरा मेरा, ठीक है ड्राई फ्रूट खाना भी मैंने अभी स्टार्ट किया क्योंकि बोलते 3 महीने तक गर्म नहीं खाना, फोर्थ मंथ की स्टार्टिंग हो गई है, फोर्थ मंथ का फर्स्ट वीक चल रहा है, तो मैंने अब स्टार्ट करा है, तो बड़ी तेज भूख लग रही थी, सोचा खट्टी मीठी नमकीन खा लेती हूँ। तो गाइज यहाँ पे आ गया हमारी पाव भाजी, तो गाइज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये है कि हमारी प्रेगनेंसी की पहली पाव भाजी है पायल, हमने पूरी प्रेगनेंसी के अंदर अपने मतलब जो हमारा सफर रहा अभी तक का उसमें पाव भाजी नहीं खाई थी, तो आज हम खा रहे हैं पाव भाजी, ऐसा कुछ नहीं था कि क्रेविंग हो रही है, पहले भी हमने
काफी टाइम पहले बहुत मतलब पाव भाजी मुझे लगा 7-8 साल कह रही हूँ 7-8 महीने या 1 साल तो हो गया यार पाई यार जो पाव भाजी दिल्ली की मिलती है ना रोड वाली का जो जवाब है ना गाइस है ही नहीं कोई बढ़िया टेस्ट नहीं वैसी नहीं है वैसी पायल जो ना वैसी ये बात तो है रोड साइड का खाना मैं तो प्रेफर करती हूँ तू भी ना बहुत टेस्टी होता है पर ठीक है अच्छा है भी पायल जो एमएसपी ने बोला वही हुआ क्या मैं गई किचन में मैंने कहा बेटा मेरे ड्राई फ्रूट रखे थे फॉइल पर मैं फोल्ड करी मैं थोड़े से खाए थे ना खा लेती हूँ घर 3-4 काजू थे और 1-2 अखरोट थे 5 किलो के तो कह रहा मैडम वो तो फॉइल पेपर था मैंने कहा वो खाए पर प्लेट तो मैंने यहाँ से उठवाई थी डस्ट वो तो वहाँ रखा था ले गया होगा फिर मैं डस्टबिन में देखा मैंने क्या रखा है कह रहा है मैम सॉरी मैं कोई बात नहीं आपकी भी गलती नहीं है फिर मैंने उन्होंने को बोला कि जो तुमने बोला था वही हुआ तो गाइस घर पे ना सफाई करने वाले भैया आ गए हैं पूरे घर की डीप क्लीन कर रहे हैं तो हमने सोचा है कि बस अब हम निकलते हैं घर के लिए क्योंकि आज ही का दिन जो है वो बहुत शुभ है आज हमें किसी भी हाल में ऊपर एक तो चूल्हा सेट करके मीठा बनाना है और तुलसी पूजा में चुन्नी चढ़ानी है चुन्नी ले लेंगे अभी जाते हुए ठीक है क्योंकि आज तुलसी पूजा है तो बहुत ही अच्छा दिन है ये शिफ्ट होने का तो फटाफट निकलते हैं बस पहले मार्केट जाएंगे फिर जाएंगे सीधा घर शिफ्टिंग करके पूरा ओके रूपेट आपको आज घर दिखाएंगे जा रहे कल मिलते हैं आज पूरा शिफ्ट करके और आज ही हो शाम को है ना मैं सोच रही थी मैंने बोला फिर आज जाऊंगी जब आप शिफ्ट करोगे तो पूरा प्रॉपर भी मैं आऊंगी ठीक ठीक तो यहाँ पर ना हम डब्बो देखने आए हैं क्या बोलते हैं टोकरे देखने के लिए आए हैं बर्तन के लिए तो देख रहे हैं प्लास्टिक का भी देखेंगे स्टील का भी देखेंगे थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ी है सांस ऐसे फूल गई ना मेरी हाफ रही थी मैं अभी दोबारा नीचे जाना है नीचे उतरना थोड़ा आसान होता है पर ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है तो आज ही ना मैं पायल को बता रही थी मैंने की पायल आजकल ना ऐसी भी आ रही है ट्रे जिसके नीचे पूरा मतलब की रैक आ रहा है इसमें नीचे ट्रे होता है कि पानी नीचे ही ना जाए तो ये वाला बढ़िया लगा है मुझे नीचे ट्रे है पर देखते हैं थोड़ा सा छोटा लग रहा है साइज नहीं साइज तो ठीक है तो ये वाला टोकरा जो है मैंने फाइनली ले लिया है क्योंकि ना अब हमने शीट्स लगाई हैं किचन में ना तो वो शीट्स गीली ना हो जाए इसलिए हमें सेफ्टी रखनी पड़ेगी पूरी तो ये हमने ले लिया टोकरा तो गाइस मैंने ये लिया है गेस्ट के लिए उनको सर्विंग के लिए जैसे नमकीन बिस्किट वगैरह देने के लिए और ये बहुत ही सुंदर है मैंने दूसरा कलर लिया है आपको घर जाके दिखाऊंगी मेरा वाला जो कलर है उससे ज्यादा सुंदर है ये बहुत ही सुंदर है इसे तो गाइस इस बार हमने ना सोप डिस्पेंसर भी लिए हैं क्योंकि आप अक्सर पूछते थे हमारी किचन में एक ट्रेसेमे का शैम्पू का डब्बा रखा रहता था तो उसमें हम हैंड वॉश डालते थे वो एक साल यूज किया अब हमने वो चेंज कर दिया है तो ये किचन के लिए और ये तीनों वॉशरूम के लिए पर जो ट्रेसेमे वाला है वो पूरा 1 साल चला है ना है ना कितने टाइम तक हमने इसे इतनी बार रिफिल करा इतनी बार 1.5 साल चला है अच्छा चला है तो घर पे आने के बाद ना चेंज भी कर लिया था लंच भी खा लिया मैंने अच्छे से अपना दाल रोटी बनी थी पूरा प्रॉपर पेट भर लिया अब मैं जा रही हूँ ऊपर जाके पायल सामान शिफ्ट करा रही हूँ उसके जाके मदद करके आ रही हूँ चलती ऊपर ठीक है बाय मैंने ना घर आते ही लंच कर लिया था मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी क्योंकि पाव भाजी से पेट बिल्कुल नहीं भरा था बट ना ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा अजीब सा लग रहा है ऐसा लग रहा है जैसे ना अभी खाया है खाना और पेट खा लिया है बट खाना नहीं खा पा रही बट ऐसा लग रहा है पेट भरा हुआ है और खा ली भी समझ नहीं आना क्या चल रहा है तो ना ऊपर ये शू रैक भी आ गया है और क्या बोलते हैं सारी चप्पलें जूते आ गए सब के सब लगाने हैं पायल लंच कब करेगी मैं तो करके आई हूँ फिर ना शांति चाय बना रही थी तो मैंने बोला एक काम करियो 2 कप ऊपर ले आई हो ठीक है चाय पी लियो थोड़ी सी तो यहाँ पे ना हमारे प्ले बटन सारे के सारे लग गए हैं तो गाइज मुझे भूख तो नहीं लगी थी पर मैंने चाय मंगा लिया चाय पी लेती हूँ फिर शुरू होती हूँ क्योंकि एक बार लग गई ना उसके बाद कुछ खाना पीना भूख नहीं लगती मुझे बिल्कुल भी जब मैं काम में लग जाती हूँ पहले मैं चाय पी लेती हूँ उसके बाद शुरू करती हूँ काम तो यहाँ जो है हमने जूतों की सेल लगाई है जिसको भी जूते चाहिए ना वो हमें संपर्क कर सकता है आप देख सकते हो कितने जूते हैं और एक जूते साफ करने वाली भी बुलाई है हमने यहाँ पे बिल्कुल बाहर बैठी हूँ 2-3 लोग आए हैं और भैया जा रहे थे ऊपर से मेरे को देख के पहले देखा नहीं फिर यहाँ से मुड़े थे कहते नमस्ते गाइस फाइनली ये जो शू रैक है ये सारा का सारा सेट हो गया बहुत मेहनत लगी इसको सेट करने में जो मेरा कपड़ा था ना सफेद कपड़ा वो काला हो गया और ये वाले शूज समझ नहीं आ रहा मुझे किसकी है और चीकू के पापा ये जूते नहीं पहनते तो मैंने जूते निकाल दिए हैं और बाकी सारे सेट हो गए क्योंकि इनके शूज ना घूम जाते हैं तो सारे जूते मैंने इनके इस साइड रख दिए मेरे पायल के जिम वाले शूज इधर रख दिए और बाकी ये सब मर्जिंग में रखेंगे ऊपर जो दिख रहे हैं ना शूज छोटे छोटे ये चीकू के हैं यहाँ तक बाकी मेरे पायल की हैं नीचे भी मेरे पायल की चप्पलें हैं और एक बात ना बहुत अच्छी है अब मैं क्या करूंगी इनको लॉक कर दिया लॉक करने के बाद ना मतलब बंद करने के बाद इसको लॉक कर दूंगी तो टेंशन नहीं रहेगी मेरी चप्पल चोरी होने की तो ये वाला जो ड्रॉर है ना ये वाला ड्रॉर ये है चीकू का ड्रॉर चीकू ने अपना ड्रॉर पर्सनली सेट किया है और इसमें ये भी लगाया है कि इसके ड्रॉर को नजर ना लगे ये ऐसे आइडिया मेरा था
ठीक हुआ, मैंने दोनों ने हेल्प करी लगाने की। क्या मेरा था जो मैंने ये लगाया? हाँ ये सब ठीक हुआ। बंदर क्यों उठाया बेटा आपने? लगा दिया। वहाँ पे तीन बंदर अच्छे लग रहे, इसका दोस्त चला गया। बेटा दो बंदर ऐसे अच्छे नहीं लग रहे थे, तीनों अच्छे लग रहे थे, क्या कर रहे हो? तो ये वाली जो बालकनी है ना, इधर पूरी डीप क्लीनिंग हो रही है क्योंकि बहुत ज्यादा गंदी थी, तो बस डीप क्लीनिंग करवा रहे हैं हम। आधी तो हो गई है, देखो कितनी अच्छी लग रही है, साफ साफ। और यहाँ पे भी धीरे धीरे सेटिंग हो रही है, इस साइड लगा दी है चूड़ियाँ और ऊपर लगा दी है हमारे शेड। तो गाइस अभी हमने सामान जो है ना ऑलमोस्ट जो है वो सेट कर दिया, पर थोड़ा जो सामान है वो मैंने अभी फिलहाल ऐसे ही डाला है क्योंकि जो भैया है ना, दोनों भैया अभी थोड़ी सी क्लीनिंग कर रहे हैं और उनका काम जल्दी खत्म हो जाए क्योंकि उन्हें भी घर जाना है, इसलिए हमने बीच में ना ड्रॉर्स में ऐसे डाल दिया जब पूरी साफ सफाई रहेगी, फिर वो मैं सामान निकालूंगी और फिर देखूंगी इसको कहाँ रखना है। तो इन शॉर्ट गाइज हमारा 90% जो काम है वो हो गया है, 10% का जो काम है वो रह गया है, और 10% का वो काम रह गया, मतलब काम काम की जो चीजें है वो सब रख ली है, जो काम की नहीं है वो सब निकाल दी है, बाकी अभी ड्रॉअर में सेटिंग करना बाकी है और मंदिर सेट करना बाकी है, उस वाली रूम की बेडशीट आना बाकी है, इधर के गद्दे बनना बाकी है, बहुत सारी चीजें हैं जो पेंडिंग है जो धीरे धीरे होती रहेंगी, बाकी 90% जो काम है ना वो हो गया हमारा डन। और इस साइड ना परफ्यूम्स लगाए हैं, देखो इस साइड हमने परफ्यूम्स लगाए हैं, और इधर अभी ज्यादा कुछ नहीं, अपने दो फाउंडेशन रखी है पायल ने, फॉरएवर 52 का गिवेंचे का, तो अभी धीरे धीरे परफ्यूम्स पे लाते रहेंगे तो चीजें बढ़ती रहेंगी, तो बहुत सारी जगह है यहाँ पे, स्पेशियस है काफी। मेरा गाइस वाला नाइट सूट है जो पायल ने पहना था मेरा नी होया मी सॉन्ग में, मेरा नी होया उसने पहना था, तब से नाइट सूट हम पहन रहे हो, तो ना कम्फर्टेबल नाइट सूट है ना, क्योंकि देखो ये बहुत खुला है तो ये आराम से आगे तक आएगा, तो बहुत कम्फर्टेबल लगता है मुझे ये। और चीकू के पापा गए सैलून क्योंकि मैं और पायला ज्यादा दिन जा नहीं पाए थे, 2.5-3 घंटे फिर भी गए थे, तो उनको 2-4 काम और भी थे, अपनी बियर्ड भी सेट करानी थी, तो वो चले गए अब सैलून। और गोलू उठते ही सबसे पहले खा रही है खाना, मैंने तो खाना खा लिया था चीकू को खिलाते खिलाते, तो चीकू जब खा रहा था मैंने खाना खा लिया, मैंने कहा अभी हम उठ सोए होंगे तकरीबन 1 घंटा है ना, 1 घंटा सोएंगे हम अभी। तो ये वाला हम लेकर आए थे, ये है लाइट गोल्डन कलर के अंदर और व्हाइट पर्ल में, और कॉपर है और थोड़ा थोड़ा गोल्डन काम भी है इसमें। तो यहाँ पे गोलू भर रही है सारे जो आज हम कंटेनर लेके आए हैं ना इसका सोप डिस्पेंसर का, तो सोप भर रही है इसमें और अभी लगा देंगे हम ये सारा, और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ क्या रखा हमने आज। तो यहाँ पे फिलहाल हमने लगा दी ये वाली कारपेट, तो ये एरिया जो है अब गंदा नहीं होगा, यहाँ से कपड़े वपड़े निकालने में आराम से, कभी कपड़े अलमारी में दोबारा भी लगाने हो तो यहाँ पे रख के आराम से लगा सकते हैं। तो ये वाले मिरर पे हमने दोनों जो है अपने मेकअप का एरिया बना लिया, यहाँ पे हमने अपना मेकअप रख दिया सारा, इस वाले ड्रॉअर में और इस वाले ड्रॉअर में सारी हमारी ज्वेलरी है, और इधर है हमारी प्रेसिंग कर्ल्स मशीन्स, ये जो चीकू का था इसमें हमने अपने क्लिप्स रबर बैंड सब रख लिए हैं। तो सारे कुशंस जो है मैंने भर दिए हैं, देखो सारे यहाँ मैंने अपनी बैंगल्स लगा दिए, और नीचे वो सामान रखा है जो अभी काम नहीं आएगा, ऊपर सारे गॉगल्स रखे हैं। तो ये वाला टोकरा है जो हम लेके आए थे आज, जिसपे आप देख सकते हो नीचे वो स्पेस है, ट्रे निकल जाती है पानी भरेगी तो, और ये सारा कूड़ा आज फिर से निकला है। तो गाइस देख सकते हो आज इतना कूड़ा निकला है, मतलब रोज हमारे घर से कूड़ा निकलता है। तो गाइस ये वाला ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।